हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव की। इसमें कुछ मैंने रूल्स लिखे हैं और उनके एग्जांपल भी मैं दूंगा। अगर आप इनकी आइडेंटिफाई पहचान जानना चाहते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव देख लीजिए। मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो इसमें 3 रूल्स दिए गए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप नेगेटिव के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। रूल है, फर्स्ट नॉट को हेड विन के बीच में लगाते हैं। नॉट जो आएगा क्वेश्चन में उसको हेड और विन के बीच में लगाएंगे। रूल सेकंड है, शेष सभी बातें साधारण वाक्य की तरह होती हैं। जो इसमें सभी बातें दी गई हैं वो साधारण वाक्य की तरह होती हैं। अब रूल थर्ड है, हेड नॉट को हेड एंड नॉट भी लिखा जा सकता है। अब कैसे, अब इसमें क्या है कि हेड नॉट तो एच ए डी एन ओ को हटा के उसको कॉमा लगा देंगे तो हेड नॉट को हेड एंड नॉट भी लिखा जा सकता है। एग्जांपल में बात करेंगे, लड़की एक सप्ताह से बुन रही थी। द गर्ल हैड नॉट बीन नाइटिंग फॉर अ वीक। मैंने क्या बोला था, हेड और बीन के बीच में लगाना, तो देखो हमने लगाया हेड बीन के बीच में नॉट। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं 2 मई से नहीं पढ़ रहा था। I had not been teaching since the 2nd of May। I hope कि आपकी समझ में आ गया हो, जैसे हमने आपको समझाया। अगर आप फिर नियम को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, तो 100% आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव के सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अगर आपको अगली वीडियो किस टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।